اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुफ्ती तारिक मसूद साहब गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुँच गए हैं। कैनेडा में उन्होंने जो बयान दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी तौहीन, कुरान पाक की तौहीन, सहाबा कराम की तौहीन, ये तीन तौहीन के इल्ज़ामात उन पर लगे कि उन्होंने तौहीन की है। तो उसकी फिर उन्होंने वजाहती बयान भी किया, अपने अल्फाज से रुजू भी किया, लोगों से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद अब उस बयान के बाद फिर वो अब वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उन्होंने आकर जामिया रशीद से ख़िताब किया है। तो क्या ख़िताब किया है, चलिए सुनते हैं। तो तराना सुना एकदम दोबारा से वो जज्बात भड़क उठे, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम मुहिब इस्लाम होने के साथ साथ मुहिब रसूल होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन भी है। तो हज़रत उस्ताद साहब का ये हम पर सब पर एहसान है कि हमारे दिल में उन्होंने मुल्क की वतन की कदर व मंजिलत डाली है और हमें एहसास दिलाया है कि इस्लाम के लिए पाकिस्तान का वजूद कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और हज़रत उस्ताद साहब ने जो हौसला दिया, और अजीब बात यह कि जामे आते ही मुल्क की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी हम बैठे थे तो तराना सुना एकदम दोबारा से वो जज्बात भड़क उठे, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम मुहिब इस्लाम होने के साथ साथ मुहिब रसूल होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन भी है। तो हज़रत उस्ताद साहब का ये हम पर सब पर एहसान है कि हमारे दिल में उन्होंने मुल्क की वतन की कदर व मंजिलत डाली है और हमें एहसास दिलाया है कि इस्लाम के लिए पाकिस्तान का वजूद कितना ज़रूरी है।